कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हील लाइफ पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम चक्र ध्यान साधना और तत्व दर्शन का अभ्यास करेंगे। ध्यान की अनेक विधियां हैं, जिनमें से एक है चक्र ध्यान साधना। बाहर की यात्रा तो हम बहुत करते हैं, आज हम अपने शरीर के भीतर की यात्रा करेंगे। हमारे शरीर में यूं तो अनेक चक्र होते हैं, किंतु उनमें से सात विशेष हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं और संपूर्ण शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। ये चक्र स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित हैं। केवल ध्यान की गहराई में ही इनको अनुभव किया जा सकता है, इनको चित्रित किया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है और इनके जागरण से शरीर में अनंत संभावनाएं जागृत होती हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो सूक्ष्म शक्ति के रूप में हमारे शरीर में ही सबसे निम्न चक्र मूलाधार में स्थित है, वह भी जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अपने शरीर के भीतर इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने से अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, अपने भीतर ही परमात्मा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। हर चक्र के साथ मेरे स्थूल शरीर के पांच महाभौतिक तत्व भी जुड़े हैं। आज हम चक्र ध्यान के साथ तत्व दर्शन भी करते जाएंगे, तो आइए साधना का अभ्यास शुरू करते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं, बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ध्यान को भीतर लेकर जाएं। शरीर ढीला सीधा किंतु तनाव मुक्त, शरीर में स्थिरता और शांति का अनुभव करें। ध्यान को श्वासों पर लेकर जाएं। श्वास प्रश्वास को देखना प्रारंभ करें। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो श्वास आ रहे हैं उन्हें भी देखें और जो जा रहे हैं उन्हें भी दृष्टाबन देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास धीमा गहरा और लंबा करते जाएं। श्वास मूलाधार से अर्थात रीढ़ के अंतिम छोर के पास से भरता हुआ कपाल तक भर जाए, ऐसा अनुभव करते जाए और
जब श्वास बाहर जाए तो ऐसा लगे मेरे कपाल से लेकर मेरे रीढ़ के अंतिम छोर तक से पूरा श्वास बाहर चला गया। धीमा करते करते श्वास पर श्वास को देखते जाए, शरीर ढीला, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को लेकर जाएं रीढ़ के अंतिम छोर के पास, गुदा द्वार और जननेन्द्रिय के मध्य, उसके पीछे रीढ़ पर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व प्रधान ये चक्र हमारी कुंडलिनी शक्ति 3.5 राउंड लगाकर यहीं पर उल्टा मुंह कर सोई हुई है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह शक्ति ऊर्ध्वगमन हो जाती है। हमारे शरीर में हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, मज्जा, ये पृथ्वी का ही रूप है। पृथ्वी में गुण है अडिगता, सहनशीलता, क्षमा, दया, गुरुत्वाकर्षण। मूलाधार चक्र, ऐसी कल्पना करें 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जिनका रंग रक्त जैसा लाल है, उसके बीच एक रेक्टेंगल और उसके बीच एक ट्रायंगल, उससे निकलती हुई दिव्य प्रकाश रश्मियां मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही। इस पर ध्यान केंद्रित करने से ये चारों रक्तिम पंखुड़ियां खिल उठी हैं और मेरे भीतर दिव्यता भरती जा रही है। मुझे पृथ्वी के गुण भी प्राप्त हो रहे हैं, दया, क्षमा, सहनशीलता गुण मेरे भीतर समाहित हो रहे हैं। रंग का प्रकाश मेरे भीतर भर गया है। ऐसा भाव बनाएं कि मेरा ये शरीर मिट्टी है, एक दिन इसे मिट्टी रूप ही हो जाना है। अपने शरीर को मिट्टी रूप होता हुआ देखें। शरीर मिट्टी के ढेर में बदलता जा रहा है और धीरे धीरे इसका भार भी कम होता जा रहा है। अब इस शरीर की मिट्टी धरती की मिट्टी में विलीन होती जा रही है और शरीर भारहीन हो गया है। शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी है। अब अपने ध्यान को लेकर जाएं स्वाधिष्ठान चक्र पर।
ठीक जननेन्द्रिय के पीछे रीढ़ पर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित जल तत्व प्रधान यह चक्र हमारे शरीर में रक्त, थूक, पसीना, वीर्य, मूत्र आदि जल के ही रूप हैं। वस्तुतः बाहर से जो जल ग्रहण करते हैं वही शरीर के भीतर जाकर रक्त बन जाता है। उस जल में और इस जल में कोई अंतर नहीं। अपने शरीर में कपाल से लेकर पांव तक एक एक नस नाड़ी में बहते हुए लाल रंग के शुद्ध रक्त को देखें। मेरा शरीर भीतर से शुद्ध लाल रंग के रक्त से स्नान कर रहा है। छह पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जिनका रंग सिंदूरी है उसके बीच एक गोलाकार और उसके बीच एक अर्धचंद्राकार आकृति, इस पर ध्यान केंद्रित करने से ये संतरी रंग की पंखुड़ियां खिल उठी हैं। सिंदूरी रंग की आभा मेरे शरीर के भीतर फैलती जा रही है और मुझे जल के गुण प्रदान कर रही है। जल में स्निग्धता है, तरलता है, शीतलता है, आकार ग्रहण करने की क्षमता है। मेरे भीतर भी ये गुण समाहित हो रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आए मैं उसमें स्वयं को ढालने में सक्षम हो रही हूँ। ऐसा भाव बनाए, अंधेरी काली रात, दूर तक फैला हुआ अथाह सागर, सागर के तट पर मैं खड़ी हूं। सागर का जल इस समय शांत है। ये शांत जल मेरा मन है। मेरे मन की लघु लहरियां भी शांत हो गई है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर यात्रा कर रही है। ध्यान को लेकर जाएं मणिपुर चक्र पर, एक नाभि के पीछे रीढ़ पर अग्नि तत्व प्रधान यह चक्र हजारों नस नाड़ियां इस चक्र से निकलती हैं और संपूर्ण शरीर में फैल जाती हैं, प्राण का संचार करती हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र मणिपुर चक्र। अग्नि में गुण है शुद्धता, सात्विकता, दैदीप्यमान, ऊर्ध्वगमन। अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है। पवित्र करने वाली अग्नि। दस पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जिनका रंग हल्का नीलापन लिए हुए उसके बीच एक गोलाकार और उसके बीच ब्रह्मांडीय सूर्य। वास्तव में जो सूर्य बाहर ब्रह्मांड में स्थित है वही मेरे शरीर के भीतर मणिपुर चक्र में स्थित है। जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे। अपने मणिपुर चक्र में धधकते हुए लाल रंग के सूर्य के दर्शन करें। अब ऐसा अनुभव करें मेरे भीतर
ऊर्जा का संचार हो रहा है, अत्यधिक गर्मी का संचार हो रहा है, मेरे शरीर का ताप, मेरी जठर अग्नि तीव्र हो रही है, मेरा ओज बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियां जलकर भस्म हो रही है। हर श्वास के साथ मैं स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूं। अब कुंडलिनी शक्ति की यात्रा आगे की ओर आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तित होती जा रही है। अपने ध्यान को लेकर जाएं अनाहत चक्र पर, ठीक हृदय के पीछे रीढ़ पर, वायु तत्व प्रधान यह चक्र। बाहर से जो श्वास हम ग्रहण करते हैं वही शरीर के भीतर जाकर अग्नि अन्न जल आकाश के साथ में प्राण बन जाता है। प्राण है तो हम प्राणी हैं। वस्तुतः प्राण मेरे ईश्वर का रूप है। वायु में गति है, स्वच्छंदता है, लगावहीनता है, अबध्य है। वायु शुद्ध करने वाली है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मेरे भीतर भी ये गुण समाहित होते हैं। 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जिसका रंग हल्का हरा है, उसके बीच एक गोलाकार और उसके बीच एक सितारे जैसी आकृति, 6 कोणों वाला एक सितारा, उसके बीच जलती हुई दिए की लौ के दर्शन करें। यह स्थान मेरी जीव आत्मा का स्थान है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूतों में है किंतु उसका स्थान हृदय प्रदेश में है। अपने अनाहत चक्र में जलती हुई लौ के रूप में जीव आत्मा के दर्शन करते जाएं। इसकी पंखुड़ियां खिल उठी हैं और मेरे भीतर ईश्वरीय गुण समाहित हो रहे हैं। अकारण प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया, मित्रता मेरे भीतर ऐसी भावनाएं प्रवाहित हो रही हैं। प्रेम का मानो केंद्र बनता जा रहा है मेरा हृदय। अपने ध्यान को लेकर जाएं विशुद्धि चक्र पर, ठीक कंठ के पीछे रीढ़ पर, आकाश तत्व प्रधान, आकाश माना खाली स्थान। यह खाली स्थान मेरे शरीर की हर नस नाड़ी में, हर कोश में, हर सेल में उपस्थित है। ऐसा तत्व जिसमें चारों बाकी के तत्व समाये हैं,
बाहर का आकाश महाकाश, भीतर का आकाश घटाकाश, सबसे वृहत तत्व आकाश अनंत है, असीम है, निर्मल है। इस पर ध्यान केंद्रित करने से मेरे भीतर भी ये गुण समाहित हो रहे हैं, मानो शून्यता की ओर मैं बढ़ती जा रही। इस पर ध्यान केंद्रित करने से मेरी वाणी में ओज उत्पन्न होता है, बुरा बोल नहीं सकते, उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संगीत के सातों सुर इस चक्र का ही खेल है। 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग धुएं जैसा है, उसके बीच एक गोलाकार और उसके बीच एक और गोलाकार, उसके भीतर खाली स्थान। इस पर ध्यान केंद्रित करने से ये धुएं जैसी पंखुड़ियां खिल उठी हैं और मेरे भीतर सत्यम शिवम सुंदरम के भाव जागृत होने लगे। मैं निर्मल होती जा रही हूँ, आकाश में अनंत ऊंचाइयों की ओर मानो उड़ती चली जा रही, स्वयं को हल्का 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 और हल्का अनुभव करते हुए आकाश की ओर उड़ता हुआ देख। मैं असीम और अनंत की यात्रा पर हूँ। अपने शरीर के चारों ओर दिव्यता का अनुभव करते जाएं। आध्यात्मिक यात्रा को आगे की ओर बढ़ाएं, ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्र पर। ठीक भ्रिकुटी मध्य से दो अंगुल भीतर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, उस स्थान से दो अंगुल भीतर आज्ञा चक्र। इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम स्थल है, त्रिवेणी है। यह स्थान मेरे इष्ट देव का भी स्थान है। दो पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग सफेद है किंतु गुलाबी आभा लिए हुए है, उसके बीच एक अंडाकार आकृति और उसके बीच स्वर्णिम ओम। इस ओम मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। इससे निकलती हुई दिव्य रश्मियां मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं और मुझे शून्यता की ओर लेकर जा रही। अब मानो मेरा तन मन शून्य होता जा रहा। मन ही मन अपने इष्ट देव का चित्र बनाएं, उनके चरणों में बैठ नतमस्तक हो जाएं। आज मेरे इष्ट देव मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, मानो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अपने इष्ट देव के चेहरे की ओर देखें, उनके चेहरे के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है। उससे निकलती हुई किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं। मेरी आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हो गई हैं। अब कुंडलिनी शक्ति अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। जहाँ
अज्ञाता और ज्ञेय में बस केवल एक दीवार बाकी है। ध्यान को लेकर जाएं सहस्रार चक्र पर, ठीक ब्रह्मरंध्र के बीच शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत। इसे मुक्ति का द्वार, दशम द्वार भी कहा जाता है। इसे काशी भी कहा जाता है। हजार पंखुड़ियों वाला कमल का फूल जो अवर्ण है, किंतु प्रत्येक पंखुड़ी से सुनहरी आभा निकल रही है, सुनहरी किरणें निकल रही है। ऐसा स्थान जहां सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, ना पाप है, ना पुण्य है, ना भला है, ना बुरा है, ना जीवन है, ना मृत्यु है, न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न शुभ है, न अशुभ है, न ज्ञान है, न अज्ञान है। कोई भय नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं है, तो केवल आनंद है। ऐसा भाव बनाए, मेरे चारों ओर सफेद बर्फ से ढकी हुई बर्फीली पहाड़ियां, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कैलाश पर्वत, उनके बीचों बीच एक शांत निर्मल स्वच्छ जल की मानसरोवर झील। उस झील में हजार पंखुड़ियों वाला कमल का फूल और उसके ऊपर मैं शिशु रूप मानो परमात्मा की गोद में अब मैं लेट। मेरी कुंडलिनी शक्ति परम शिव में लीन हो गई है। मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। वो शिव प्रकाश रूप में मेरे चारों ओर है और मुझ में ही समाहित हो गए हैं। बूंद मानो समुद्र में समा गई है। मैं और मेरे शिव अब एक हो गए हैं। केवल और केवल प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है। Shivoham, Shivoham, Shivoham।
माया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को पहचाना। अब पूछें अपने आप से कि मैं कौन हूं? क्या मैं स्थूल शरीर हूं? नहीं, स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला मात्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ। क्या मैं सूक्ष्म शरीर हूँ? नहीं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, अहंकार भी मेरा है, चित्त भी मेरा है, मैं ये नहीं हूँ। तो मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। फिर क्या मैं कारण शरीर हूँ? मैं कारण शरीर भी नहीं, क्योंकि जागृत और सुषुप्ति अवस्था में भी मैं इसको पहचानती हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप। तीनों कालों में पहले भी थी, आज भी हूँ, आगे भी रहूं। अपने वास्तविक स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को आज मैंने जाना। अत्यधिक प्रसन्नता का भाव जागृत करते हुए गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास छोड़ें। हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कोमलता से नेत्रों को स्पर्श करें। कुछ क्षण शांत बैठ अपनी अनुभूति को अनुभव करते जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। चक्र ध्यान साधना और तत्व दर्शन साधना को यहीं समापन करते हैं।